वेलकम टू आईटी कोडिंग पर बट वेलकम टू नाउ आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। हमने अपना सिलेबस डिस्कस कर रहा था, अलजेब्रा मैं था, लॉगरिथम्स। सो आज हम लॉगरिथम से स्टार्ट करेंगे। सो इन लॉगरिथम इसे एमकाइट और लाइक इलिटमास मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं। वेरी इजी टॉपिक लॉक। लाइक दैट ओके। इन लॉग लाइक बी राइट, हम ऐसे लिखते हैं लॉग ए बी से। दिस पार्ट इज, इसे बोलते हैं लॉग ए आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट एंड, और इसे बोलते हैं हम बेस। ठीक है, लॉग में ये दो ही चीजें होती हैं लॉग में। ठीक है, एक होता है बेस, एक होता है आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो लॉग के सब एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन होते हैं, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन ठीक है, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन, या ही इन्हें बोलते हैं हम फंक्शन, फंक्शन। ठीक है, क्या होते हैं लाइक, जैसे हम लिखते हैं ए पावर एक्स इक्वल्स टू बी। ठीक है, तो दोनों बोथ साइड लॉग, टेकिंग बोथ साइड लॉग, बोथ साइड लॉग। ठीक है, लाइक लॉग ए पावर एक्स इक्वल टू बी। अगर किसी के बेस, मतलब उसका बेस ना हो, तो बाय डिफॉल्ट उसका बेस 10 होता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट उसका बेस 10 होता है। सो नॉट रिक्वायर्ड टू, नॉट रेजर कम है। तो लॉग है वो साइड है। तो एक लॉग में एक प्रॉपर्टी होती है, लॉग में एक प्रॉपर्टी, मेरे पास एक पीपीटी है, जब फॉर्मूलेज हैं, जो लॉग लॉग बेस्ड सम फॉर्मूलेज हैं उसमें हो। तो ये लॉग प्रॉपर्टी होती है, लॉग बेस ए पावर एन इक्वल्स टू, एन पहले आ जाता है, उसके बाद लॉग ए पावर बेस ए। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी होती है लॉग में, प्रॉपर्टी या फॉर्मूला बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा लॉग एक्स लॉग ए इक्वल्स टू बी। ठीक है, तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या हो जाएगा लॉग, यहाँ भी होगा लॉग, बोथ साइड लॉग, लॉग हो जाएगा लॉग बी अपॉन लॉग ए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा, इसकी भी एक प्रॉपर्टीज होती है, इसकी एक प्रॉपर्टीज होती है, ये भी एक प्रॉपर्टीज होती है, जब बेस सेम हो आर्ग्यूमेंट डिफरेंट हो। ठीक है, बेस सेम है इनका, आर्ग्यूमेंट डिफरेंट है, तो एक प्रॉपर्टीज होती है लॉग बी अपॉन लॉग ए अपॉन ए इक्वल टू, ये हो जाता है लॉग बी अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स इक्वल टू बी अपॉन ए। एवरीवन गेटिंग माय, एवरीवन यस यस ओके। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई, बी अपॉन ए। ठीक है, एक्स वैल्यू इज बी अपॉन ए। एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स क्या है, इसे ही बोलते हैं। हाँ ठीक है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करी, ये होगा।
like some examples taking a different class. Like जैसे एग्जाम्पल लो, लॉग 10 आर्ग्यूमेंट 100, ठीक है। इसमें आर्ग्यूमेंट क्या है और बेस क्या है? तो आर्ग्यूमेंट दिस, आर्ग्यूमेंट और बेस ये है, ठीक है। बेस इसमें एक चीज मैंने बताई आपको, कौन सी? एक ये फॉर्मूला है, ठीक है, जो मोस्टली हम बहुत ज्यादा लॉगरिथम चैप्टर में सबसे ज्यादा इस फॉर्मूले को ही यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और ये प्रॉपर्टी है लॉग की, जो ये आ जाता, ठीक है। अब कुछ फॉर्मूलेज हैं लॉग के, वो मैं आपको लिखवा दूं, या चलो मैं लिखवा ही देता हूँ। वैसे मेरे पास एक पीपीटी है ये, ठीक है, छोड़ो इसको, लिखवा देता हूँ। तो पहला होता है, पहला फॉर्मूला होता है लॉग ए वन, इसकी वैल्यू ऑलवेज होती है जीरो। अगर लॉग ए हो, लॉग लॉग बेस ए और आर्ग्यूमेंट में वन हो, आर्ग्यूमेंट में वन हो, तो उसकी वैल्यू हमेशा जीरो होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। दूसरा, दूसरी प्रॉपर्टीज होती है इसकी, लॉग बेस में ए और आर्ग्यूमेंट में भी ए, मतलब बेस सेम हो और आर्ग्यूमेंट भी सेम हो, तब उसकी वैल्यू हो जाती है वन। लाइक एग्जांपल, एग्जांपल देखो, लाइक लॉग 10 पावर आर्ग्यूमेंट 10, तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली लिखनी है एक। लाइक सेकंड एग्जांपल, लॉग 10 और 100, ठीक है। तो इसको हम एक्सपोनेंशियल, अभी हमने लास्ट टाइम लास्ट पीपीटी में एक फॉर्मूला बताया था आपको मैंने, ये पावर वाला, ठीक है। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे लाइक ऐसे, देखो लॉग लिख सकते हैं इसको 10 पावर 2 एंड बेस 10, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आप 2 आगे आ जाएगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज है हमारी, ये कौन सी, लॉग ए बेस ए पावर एन, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज होती। तो क्या होता है, एन लॉग ए बेस ए, ठीक है। तो ये 2 आगे आ जाएगा, 2 फ्रंट पे, लॉग 10 एंड बेस 10, तो इसकी वैल्यू के, अब इसकी इतने की वैल्यू कितनी होती है, इतने की वैल्यू कितनी होती है, जो कि मैंने बताया आपको, बेस भी सेम है, आर्ग्यूमेंट भी सेम है, तो वैल्यू कितनी होगी इसकी, 1, तो इसकी वैल्यू होगी 1, ठीक है। तो 2 इंटू 1, तो आंसर इसका हमारा कितना आ जाएगा, 2 इज द आंसर, ठीक है। एक प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी, सारी प्रॉपर्टी के साथ एक एग्जाम्पल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक जो कि मैंने पहले बताया रखा, लॉग एक प्रॉपर्टी होती है बेस ए इंटू एक्स इंटू वाई, ठीक है, एक ये प्रॉपर्टीज होती है, बराबर क्या होता है, लॉग बेस में ए एंड एक्स प्लस लॉग बेस में बी, सॉरी 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 बेस में ए, बेस में ए ठीक है, बेस ए बाई, ठीक है, ये होता है एक। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अगर कहीं लिखा हो लॉग बेस में ले लो 10, लॉग 10 लाइक 3 into 4, ओके, इस टाइम में, तो इसे हम ऐसे मतलब कि बढ़ा के लिख सकते हैं, लॉग 10 3, एक्सपेंड करना है, मतलब एक तरह एक्सपेंड करते हैं फॉर्मूले को, लॉग 3 इंटू लॉग 4, ठीक है। एग्जांपल आएगा नहीं, बस मैंने ऐसे ही जनरल पर्पस से बता दिया, ठीक है, ऐसे एक्सपेंड करते हैं। चौथी प्रॉपर्टीज है, चौथी प्रॉपर्टीज है लॉग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्स अपॉन बाई बेस में ए, तो इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे प्लस है, अपॉन में आता है, इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है, लॉग एक्स ए माइनस लॉग बाई ए, ठीक है,
होता, माइनस हो जाता। और सेम है इसका भी, अगर लिखा हो लॉग 3/4 बेस में 10 इक्वल्स टू, तो इसे कहते थे लॉग 3 सॉरी लॉग 3 माइनस लॉग 4। ठीक है, ये होता है। अब पांचवी प्रॉपर्टीज है, पांचवी प्रॉपर्टी लॉग, जो कि मैंने आपको पहले बताई थी, लॉग ए बेस पावर एक्स पावर टू एन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ। हाँ, एन, वेरी गुड, एन लॉग एक्स बेस। सपोज कोई दिया हुआ इक्वेशन है, मैं लॉग 10 बेस पावर 10 into 10, यू कैन एक्सपेंड लाइक दैट ऑल्सो, एंड यू कैन राइट लाइक दैट। ओके, log 10 power 2 base 10 2 log, सेम एग्जाम्पल। ओके, 10, दैट्स इट। 6 प्रॉपर्टीज, log एक्स बेस में ए इक्वल्स टू, तो हमें से अभी मैंने बताया ही था, लॉग एक्स अपॉन एक्स बेस में बी अपॉन लॉग ए होता है चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला। ठीक है, नंबर 7, 7 प्रॉपर्टी इज लॉग एक्स अपॉन ए बेस चेंज फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको कहते हैं 1/1, उल्टा कर देते हैं, उल्टा लॉग जो बेस होगी वो इसका आर्ग्यूमेंट आ जाएगा, जो आर्ग्यूमेंट होगा वो इसके बेस में आ जाएगा। ठीक है, ये एक और प्रॉपर्टीज होती है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। ठीक है, मैं बता दूंगा कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यूज होती है मोस्टली। ठीक है, और 8वीं प्रॉपर्टी है, या लिखा हो लॉग एक्स बी इक्वल्स टू बी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो एक्स बराबर, ये जो ए होता है ना, ये जो आ बेस में है, ये जो बेस में लगा हुआ है, ये यहाँ आ जाएगा, ये जो बी है वो पावर में हो जाएगी। ठीक है, ये एक और एक्सप्रेशन होता है इसका, इम्पोर्टेंट है। और इन 7-8 फॉर्मूलों में एक ये वाला, एक ये और ये और ये 5 फॉर्मूले मोस्टली अब फ्रिक्वेंटली ही यूज होते हैं हर एक जगह। ठीक है, पूरे लॉगरिदम चैप्टर में ये तो बहुत ज्यादा यूज होंगे। ठीक है, और इसके बाद देखिए, ठीक है, ये तो वैल्यू है, ये याद रखनी है आपको हमेशा, कहीं पे भी ऐसा इक्वेशन बनता है जिसकी वैल्यू 1 आती है, उसकी जगह हमें क्या रखना है, 0। ठीक है, और कहीं पे जिसका बेस सेम हो, आर्ग्यूमेंट सेम हो, उसकी वैल्यू हमें 1 रखनी है। ठीक है, ध्यान रहेगा आई। ठीक, किसी को स्लाइड में चाहिए हो तो स्लाइड में भी यही दिया हुआ है। देखो, लॉग ए बेस ए हो तो वैल्यू 1, लॉग ए बेस एग्जांपल है ये, और लॉग ए इन बेस में ए बी इंटू लॉग बी, इसकी वैल्यू भी 1 होती है। ठीक है, सम प्रॉपर्टीज हैं ये, मैंने राइट करी। ठीक है, ये है, चाहो तो देख लो तुम्हें, ये वही फॉर्मूला है अपना, लॉग एम इन टू एन, ये वो मैंने उधर एक्स वाई कर दिया, इधर एम इन टू एन है। ठीक है, मोस्टली फॉर्मूले जो लॉग में होते हैं वो एम इन टू एन में होते हैं। ठीक है, ये लॉग एम इन एन पावर एन वाला फॉर्मूला है, अपॉन वाला है। ठीक है, ये 1/n है, बेस है, तो माइनस इस उल्टा हो जाता है, उल्टा उल्टा होने पे क्या, ऊपर जब एन जाएगा, यहाँ पे ऊपर जब एन आएगा तो ये प्लस का यहाँ पे आएगा, माइनस हो जाएगा, तो लॉग एन रेज। ठीक, ये भी, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जैसे सपोज क्वेश्चन 1, पहला क्वेश्चन, लॉग बेस 5 बेस 2 पावर 32। ओके, हाँ, और एक चीज ध्यान रखना आपको, स्क्वायर
आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, वन से लेके 30 तक के स्क्वायर, ठीक है, और वन से लेके 20 तक क्यूब, क्यूब याद होने चाहिए, ठीक है। ये मतलब याद होंगे तो आपके लिए अच्छा है, मतलब सेकंडों में आप क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। अगर ये सब याद है आप आते हैं क्वेश्चन पे। तो अगर आपको याद हो एक इसका स्क्वायर बन सकता है, क्योंकि बेस में टू है, तो इतना ध्यान रखना है यहाँ पे हमें टू ही बनाना है, तो लॉग, क्योंकि बेस सेम करना है हमको, बेस टू की पावर कितने करने पे 32 बनता है, कितना करना, 2 × 2, 2 × 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32, ठीक है। मतलब वह 1, 2, 3, 4, 5, 5 पावर करने पे, ठीक है, 5 पावर करी। इसके बाद क्या करेंगे, तो आ जाएगा 5 log 2 base 2। अब जैसे मैंने अभी बताया था, अगर log a/a = हो तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो यहाँ पे कुछ करना नहीं है हमको, हमको वैल्यू रखनी है इसकी, यहाँ पे रख देते हैं 5 × 1, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, राइटिंग अ लिटिल बिट ट्राई टू अंडरस्टैंड यार। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू फाइंड कर दी इसकी। अब हाँ यार, कुछ भी मान लो इसके बराबर, सपोज करो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्स बराबर आ गया यार, आप भी एक्स बराबर 5, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। लाइक लॉग, क्वेश्चन लिखते हैं, log base 2 इज base 2 की पावर 14, base 2 आर्गुमेंट में 14 = log 8 पावर, आई थिंक 8 इज नॉट गुड, आई थिंक वेयर इज दिस, वेट, सिक्सटीन पावर लाइक 3 + x = base 2, base 2 power 2, या पावर टू, ठीक है, नॉट अ बेस, इट्स पावर, ओके। सो बेस इज 10, या कांस्टेंट वैल्यू, इट्स बाय डिफॉल्ट इज बेस इज 10 हियर, ओके। तो क्वेश्चन इज log 2 raised to power 14 log 16 to power 3 + x, ठीक है। तो 2 raised to power सही है, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो log 2 power 14, इसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 power 2, 2 = 4, 8, 8 × 16, ठीक है, into 4 power 3 + x, ठीक है। अब देखो log, ठीक है, log से log कैंसिल, तो 2 power, अब आ गया 14, 2 power 14 = 2 power 4, 3 + x। अब बेस, अगर ए बेस समान है तो इनको हम छोड़ देते हैं, ठीक है, इनकी पावर, तो आएगा 14 = 4 × 3 = 12 + 4x, ठीक है। इसको उधर ले जाएं, इसको उधर ले जाएं, तो 4x = 14 - 12, ठीक है, x = 14 से 12 गया 2/4, माय 1/2 इज द आंसर, x वैल्यू इज 1/2, 1/2, ठीक है। हाँ, आज कुछ बेसिक क्वेश्चन, कल हम थ्योरी बेस्ड एडवांस क्वेश्चन लेंगे कुछ, इससे मतलब थ्योरी बेस्ड होते वही हैं, बस वो भाषा में लिख देते हैं क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपने, अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, सपोज
फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ले लेते हैं यार। थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, लॉग लाइक 40, बेस में 10 ले लेते हैं, वैल्यू फाइंड करनी है ठीक है इसकी। और एक और क्वेश्चन सॉल्व भी कर देते हैं इसको। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना अभी, इसको पावर बनाना मुश्किल है, पावर नहीं बनेगी, देखो इसकी पावर नहीं बनेगी। तो क्या करेंगे, लॉग 14 × 10 इक्वल्स टू लॉग 10 × 4, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं 10। तो अब इसको एक्सपेंड करना है, यहाँ पे क्या होगा, लॉग क्या होगा, 10 × 10, फॉर्मूला आपने बताया था लॉग ए एक्स इंटू वाई, बताया था क्या होता है, लॉग ए एक्स प्लस लॉग ए वाई ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो इसे खोल लेते हैं, ओपन करते हैं उस फॉर्मूले को, लॉग 10 बेस 10। तो क्या हो जाएगा, लॉग 10 बेस 4 ठीक है। अब आगे देखते इसके बाद इसका देखते हैं, प्लस होता है यहाँ पे, तो इसका वैल्यू कितनी होगी, 1 1 रख दिया प्लस। इसको अभी और हम सरल कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लॉग 2 रेस्ट टू पावर 2 × 10 बेस 10 इक्वल्स टू 1 प्लस लॉग 2 पहले 2 बाद 10। ये इसका फाइनली आंसर आएगा, क्योंकि अब बेस 10 है तो हम बेस बराबर नहीं कर सकते ठीक है, कोई फायदा नहीं होगा इससे करना ठीक है। ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, चौथा, लॉग 27 बेस में 9 माइनस लॉग 9 और बेस में 27 ठीक है, वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे, इससे लिख सकते हैं हम लॉग 9 की पावर 2, नो 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 3 पावर 9 सॉरी 3 की पावर 20 में 9 20 में 9 और इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 3 ठीक है, माइनस लॉग इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2 बेस में 27। अब बेस की भी हम पावर चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको यहाँ ले आते हैं ठीक है। तो इसको इधर लाने से बेटर है क्या करेंगे, लॉग 3 पावर 3 इसे लिख सकते हैं 3 रेस्ट टू पावर 2 माइनस, बेस को भी लिख सकते हैं 3 पावर 2 एंड 3 पावर 3 ठीक है। अब एक प्रॉपर्टीज आपको मैंने बताई थी, क्या बताई थी प्रॉपर्टीज थी, देखो एक प्रॉपर्टीज थी पावर वाली, हाँ ये देखो, इस बेस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या थी, लॉग 10 देखो जैसे लॉग एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब लाइक दैट, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/3 2/3 फर्स्ट लॉग एक्स अपॉन एक्स, या एक्स अपॉन एक्स नहीं, एक्स बेस एक्स ठीक है, इसको ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये पहले आ जाएगा, तो 3/2 log 3 बेस में 3 माइनस लॉग, अभी यह है ना 2 है तो 2 पहले इस प्रॉपर्टी के अनुसार, इस प्रॉपर्टी के अनुसार ठीक है, लॉग पहले आ गया 2/3,
ठीक है, और बेस आर्गुमेंट में 3, बेस में 3, तो लॉग 3, लॉग 3 इसकी वैल्यू होती है 1, 3 इंटू डिवाइड बाई 2 इंटू 1 माइनस 2/3 इंटू 1। ठीक है, तो 1 1 तो कोई मतलब ही नहीं, एलसीएम एलसीएम ले लो 6, तो 9 माइनस 4 5/6, ये अपना आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, किसी कोई दिक्कत, ये प्रॉपर्टीज बतानी है ये वाली, ठीक, कोई दिक्कत। ये होती है लॉग, जैसे सपोज करो लॉग एक्स पावर 2 हो और बेस की पावर भी हो, ठीक है, बेस की भी पावर कुछ हो, तो मैंने ऐसे ले ली बताने के लिए। तो ये जो आर्ग्यूमेंट की पावर होती है वो अपॉन के ऊपर आती है न्यूमिनेटर में, और जो बेस की पावर आती है वो डिनोमिनेटर में आती है, ठीक है, और लॉग से पहले, और बाकी ऐसे लिख देते हैं एज इट इज, ठीक है, एक्स बेस ये है। यही हमने यहाँ पे किया है, यही किया है, ये था 3 3, ये इसकी आर्ग्यूमेंट की है, ये पहले आ गई, ठीक है, ये बेस की है, ये डिनोमिनेटर में चली गई, बाकी ये सेम लिख दिया। और 3 3 का क्यों बनाया था, क्योंकि मुझे 1 चाहिए था, 1, अगर 1 नहीं आता तो ये कैंसिल नहीं होता, वैल्यू नहीं आती, यहाँ पे गड़बड़ हो गई थी फॉर्मूले में, यहाँ पे ऐसा लेना था जो ये 1 बन जाता है, यहाँ पे 1 बनने के लिए यहाँ पे 10 होना चाहिए था, कोई बात नहीं, तो बाकी ये भी ठीक है। दूसरा, और दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अगला, कौन सा क्वेश्चन नंबर था पता नहीं यार, क्वेश्चन नंबर 5, 5वां क्वेश्चन। सपोज लेते हैं लॉग, कलर चेंज कर लेते हैं, सपोज ले लेते हैं लॉग, लॉग लेते हैं लॉग 625 बेस में 125, ठीक है, सपोज पता है आपको ये पावर है, ये तो लगा ही दोगे इजी, वैसे तभी मैं बता ही देता हूँ, ठीक है। आज अपन कुछ ऐसे ऐसे बेसिक बेसिक क्वेश्चन करें, कल हम बेहतरीन लॉग के खत्म वाले क्वेश्चन करेंगे, करते खत्म कल ये लॉग रिथम चैप्टर खत्म कर दूंगा, और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। हाँ, इन द लास्ट लास्ट में बताऊंगा ये आपको पीडीएफ वगैरह कहाँ मिलेंगे, ठीक है, पीपीटीज एक बार ग्रुप बना दूंगा फेसबुक पे, वहाँ पे आप उस ग्रुप को, प्राइवेट ग्रुप रहेगा, उस ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद ये सारे मटेरियल आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं यार, क्वेश्चन बात है, तो ये देखो लॉग लॉग, अब 5 का आपका क्यूब तो एटलीस्ट पता ही होना चाहिए, क्यूब के बाद आता है 625, मतलब 4 × 4 5, 5 × 5 25, 25 × 5 125, 125 × 5 265, ओके, मतलब 5 रेस्ट टू पावर, ऊपर वाला कितना आएगा, लॉग 5 पावर 5 टू पावर 5 टू पावर 4, ठीक है। इसी प्रकार नीचे वाला है, नीचे वाला 3 है, इतने मान जाता है 125, ओके, सो राइट डाउन, तो 5 पावर 5 पावर 3, देखो यहाँ पे बेस सेम है, वही प्रॉपर्टी सेम, वही प्रॉपर्टीज लगाने, एक प्रॉपर्टीज पे एटलीस्ट 2 या 3 क्वेश्चंस में लगवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी होगी अबाउट द लॉगरिथम, ठीक है, कोई भी चैप्टर में कराऊंगा, डोंट वरी। तो बेस बेस की पावर आएगी डिनोमिनेटर में, और आर्ग्यूमेंट की पावर आएगी न्यूमिनेटर में, ठीक है, 4 4, और लॉग बेस में 5 आर्ग्यूमेंट में 5, और इसकी वैल्यू आपको पता ही है 1 होती है, कितना इजी है, आंसर आ गया 3, हाँ 3, सॉरी 3 था वहाँ, तो ये आंसर आ गया अपना, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ले लेते हैं लॉग, लॉग समथिंग लाइक एबीसीडी पे कुछ ले लेते हैं, लाइक x² / b प्लस log b/a² b upon not a b a b s sorry,
वेट अ मिनट, एक्स वाई लेता। बाई, ठीक है, तो बाई, तो बाई अपॉन एक्स की पावर, एक्स की पावर, एक्स की पावर टू, ठीक है, इक्वल्स टू लॉग एक्स माइनस बाई, ठीक है। ये फॉर्म, ये इक्वेशन हमें वैल्यू निकालने से सॉल्व करना, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, लॉग एम बटे एन फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, क्या था, लॉग एक्स वाई बाई क्या होता है, लॉग क्या होता है, लॉग एक्स माइनस लॉग बाई, ए होता है, बस ए रखना है, तो रख दो लॉग एक्स स्क्वायर माइनस लॉग बाई, ठीक है, प्लस ये भी रख दो लॉग बाई माइनस लॉग एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू लॉग एक्स माइनस बाई, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो ये बाई लॉग बाई, लॉग बाई कैंसिल, अब बचा के लॉग एक्स, तो टू लॉग एक्स माइनस टू लॉग, सॉरी ये भी कैंसिल है, लॉग एक्स स्क्वायर, लॉग एक्स स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो क्या आ गया, लॉग एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, सिंपल, तो जीरो। देखो अब इसमें एक टर्म आ गया, एक वैल्यू मैंने बताई थी स्टार्टिंग में, लॉग वन की वैल्यू होती है जीरो, तो जीरो की जगह हम वन, लॉग वन रख सकते हैं कि नहीं रखते, रख सकते हैं, क्योंकि वैल्यू हमें एक्स वाई की चाहिए, ठीक है, तो लॉग, जब तक लॉग कैंसिल नहीं होगा तो एक्स वाई की वैल्यू नहीं आएगी, तो इसके लिए हम लॉग वाई चाहिए, लॉग एक्स वाई माइनस लॉग वन, लॉग से लॉग कैंसिल, बचा क्या, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू वन, ठीक है, यही हमारी वैल्यू आ गई एक्स माइनस वाई। लिटिल बिट डिफिकल्ट, नो यार, ओके, जस्ट सी, टेक अ टाइम। अगले क्वेश्चन पे चला, चलो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन लिख लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन नंबर कितना था, 6-7, क्वेश्चन नंबर 7, क्या है क्वेश्चन, वन अपॉन लॉग बी अपॉन बी बेस ए इंटू वन अपॉन लॉग सी बी इंटू वन अपॉन लॉग ए सी, ठीक है, ये वैल्यू हमें निकालने हैं, एक प्रॉपर्टीज मैंने पहले आपको बता रखी थी, क्या थी प्रॉपर्टीज, रिकलेक्ट रिकलेक्ट व्हाट आई सेड टू यू, लॉग 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 अगर हो एक्स बेस में बाई बराबर, तो हम इसे लिख सकते हैं लॉग वन अपॉन लॉग बाई एक्स, लिख सकते हैं, अगर ये दिया हो तो हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, अगर ये दिया हो तो हम ये भी लिख सकते हैं, तो हमें पे कौन सी कंडीशन दी गई, ये वाली दी गई ना, इसमें तो कुछ नहीं करना है यार, लिख देना है यहाँ पे, वन अपॉन बी है तो बी ऊपर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लॉग ए बेस में बी, सिंपल, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, लॉग बी बेस में सी मल्टीप्लाई लॉग ए बी, सॉरी सी बेस में ए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर अभी मैंने एक और प्रॉपर्टी बताई थी, अगर ऐसा हो, अगर ऐसी दी हो लॉग, तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग
ए अपॉन लॉग बी, लिख सकते हैं कि नहीं? प्रॉपर्टीज बताई थी मैंने पीछे, रिकलेक्ट, रिवाइज, रिवाइज। हाँ ये बाद में यूट्यूब पे वीडियो रहेगा, वहां से आप इसको पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 3:30, हाँ मैंने जैसा कल प्रॉमिस करा था आपसे, 3:30 पे यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा चैनल। मैं अभी लास्टली बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, जस्ट फोकस यार, बट आई सेड। हाँ तो मैंने पहले बताई प्रॉपर्टीज पिछली स्लाइड में, तो क्या थी? तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग, अभी क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये कुछ कैंसिल नहीं होगा, अभी ये लिखने के बाद अभी सब कैंसिल हो जाएगा, तो बी हो जाएगा या ए हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। लॉग ए अपॉन लॉग बी इंटू लॉग बी अपॉन लॉग सी इंटू लॉग सी अपॉन लॉग ए, ठीक है। लॉग सी कैंसिल, लॉग ए कैंसिल, लॉग बी कैंसिल, वैल्यू आ गई इसकी कितनी? आंसर आ गया इसका, ठीक है। इजी था। हाँ इसी प्रकार एक और क्वेश्चन लेते हैं, आठवां। लॉग 10, ठीक है, कौन बताएगा इसका? चलो इजी है, लॉग बेस में भी 10 है, तो मान लो 10, तो 10 रेज टू पावर 3 हो सकता ना ये, तो उसको 3 रखना है, लॉग 10 और 10 3 इंटू 1 वैल्यू होती है तो 3, ठीक है। ये था क्वेश्चन, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन 9वां, क्वेश्चन नंबर 9। द लॉग बेस में 2 लॉग 2 लॉग 256, बेस में 4, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे इसके लिए यार? सब दिया हुआ है यार, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको एक्सपेंड करना है बस, लॉग 2, ठीक है। तो लॉग 2 ये क्या है? एक 4 की पावर बनेगी, ये 4 की पावर, 4:4, लॉग 4 की पावर 16 16 32 32 256 32, ठीक है, 4 पे हो गया, ठीक है। अभी 2 आगे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? लॉग बेस टू लॉग बेस टू लॉग टू आ जाएगा, 2 log 4 into 4, ठीक है। इसके बाद ये हो जाएगा लॉग टू ये हो जाएगा 2, इसकी वैल्यू होती है 1, सॉल्व इट, इसे करते हैं लॉग 2, ठीक है 1, तो द 2 log 2 2 log 2, ठीक है। फोर, तो सॉरी सॉरी सॉरी, हियर हियर फोर, हियर कमिंग इज 4, ठीक है, हियर 4, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग नॉट 4, ठीक है। अब क्या करेंगे? लॉग 2 base 2 लिख सकते हैं इसको, 2 power 2, तो 2 आगे आ जाएगा, क्या हो जाएगा? लॉग 2 log base 2, ठीक है, सब में बेस में 2 थी, आगे ये कितना हो जाएगा? इसकी वैल्यू भी 1 होती है और इसकी वैल्यू भी 1 होती है, तो 1 into 1, 1 into 1 बराबर 2, तो आंसर हमारा आ गया 1, ठीक है।
कठिन था, इजी था। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और हम क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन दसवां, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लॉग एक्स प्लस एक्स प्लस लाइक 1, ठीक है, और बेस में 10 प्लस लॉग बेस में 10 5 इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो सिंपल है, लॉग 12 लगा दे यार, लॉग एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन छोड़ दो, करवा देता। एक्स प्लस वन, हाँ ये इसमें फॉर्मूला होता है लॉग एक्स प्लस वन, फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है। लगा लगा लेना कल, इसको जो बच्चा लगाएगा करवाऊं। ये बताओ यार, ठीक है, छोड़ दे, कल लेना। अगर नहीं होता कल तो मेरे को मेल आईडी मेरी भेज देना, ठीक है। मतलब जिसका जिसका नहीं होता तो अगला क्वेश्चन चलता। एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर स्टॉप करते हैं सेशन, ठीक है। लाइक कौन सा क्वेश्चन था, सपोज लॉग बेस 2 7 इक्वल टू m, ठीक है। अब वैल्यू हमें फाइंड करनी है log 28 into 49, क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत नहीं, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर ये दिया है हमको, ठीक है। तो इसको सिंपल कर सकते हैं, log 28 4 into 7, 7 4 13 या 7 में कुछ भी हो, ठीक है। और बेस को क्या लग सकते हैं, 7 रेस्ट टू 2, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बट ठीक है, ऊपर वाले को क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख लो m into n क्या होता है, लॉग log x into y क्या होता है, प्लस होता है log x प्लस log y, ठीक है। तो इन्हें लिखना सा 4 प्लस log 7 अपॉन, ये भी है ना log, तो log होगा log 2, इधर आ जाएगा 7, इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको ऊपर से लिए हम डिवाइड कर लेते हैं दोनों में, ठीक है। कैसे करेंगे, तो log 4 अपॉन 2 log 2 log, ठीक है, प्लस log 7 and 2 log 7, ठीक है, ये हो गया ना। तो अब क्या करेंगे, इसको करने से पहले हम 7 है यहाँ पे, ठीक है। तो हो जाएगा 2 log 2, पावर हो जाएगी ना 4, ठीक, अपॉन 2 log 7, ठीक है, प्लस log 7 अपॉन 2
लॉग सेवन, टू लॉग सेवन, सेवन कितने, टू से टू कैंसिल, तो ये क्या हो गया, लॉग टू अपॉन लॉग सेवन प्लस ये कितना हो गया, वन अपॉन टू। तो यहाँ पे देखते हैं इसको, वन अपॉन टू ये देखो ये लिखा हुआ यही चीज ये थी, ये चीज इसकी वैल्यू दी गई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे एम पुट कर दो, एम प्लस वन अपॉन टू, इसे सॉर्ट आउट सॉर्ट करने पर टू एम प्लस वन अपॉन टू, ठीक है। ये क्वेश्चन लगाने के लिए है आपके, कल लगा के लाना, नहीं लगता तो कल मुझे कमेंट कर देना, ठीक है, मैं बता ही दूंगा। क्या करूँ, एक और क्वेश्चन कर लूँ, चलो एक और देख लेते हैं, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन है टू, और कल मैं कुछ पीपीटीज वगैरह ड्रामे करके करके लाऊंगा, ठीक है। लॉग ए प्लस बी इक्वल्स टू लॉग 9 प्लस ओके लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग बी, ठीक है। और हमें वैल्यू वैल्यू दी गई है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर वन, ठीक है। क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ है एग्जाम में, ठीक है। आई थिंक दिस ईयर्स 2018 आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या होगा, टू लॉग ए प्लस बी इक्वल्स टू लॉग 9 प्लस लॉग बी ए प्लस लॉग बी, ये क्वेश्चन आ गया। उसके बाद सिंपल है, तो लॉग टू लॉग, टू लॉग टू लॉग ए प्लस बी इक्वल्स टू, एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है लॉग 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 एम इंटू एन बराबर लिखते हैं प्लस में, तो एम इंटू एन लाइक दैट हो सकता है, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं लॉग 9 ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे इसको 9 ए बी, 9 ए बी। इसके बाद अभी ये हमें कैंसिल करना पड़ेगा, तो कैंसिल करने के लिए इसको हम लॉग, अगर हम राइट टू लेफ्ट जा सकते हैं तो लेफ्ट टू राइट भी आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो ये अब पावर बना देंगे इसकी, यार कोई दिक्कत, स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, लॉग की प्रॉपर्टीज में लॉग क्या बोलता है, ए बी, ठीक है। अब लॉग से लॉग कैंसिल, अब ये हमने बनाया क्यों था, सब समझ ही गए हो गए, समझदार हो गए। ए प्लस बी लॉग को कैंसिल करने के लिए, तो ए स्क्वायर होता है ये प्लस बी स्क्वायर ये होता है प्लस टू ए बी होता है, कैसे भी तरीके से खोल लो, 9 ab, ठीक है। और 2 ab से और 9 ab प्लस की इधर आएंगी माइनस की, वट एवर हो जाएगा 7 ab आई थिंक सो। और ये जो वैल्यू दी गई है, इसकी वैल्यू तो दी गई है हमको 1, ठीक है। तो इधर हो जाएगा 1 9 ab माइनस 2 ab, तो ये हो जाएगा 9 ab 7 ab इक्वल्स टू 1, या ए बी इक्वल्स टू 1/7, दिस इज द आंसर, ठीक है। उसके बाद खत्म, थैंक यू, चैनल बता दो एक, वेट अ मिनट, ओके। टोटल पीपीटी यूट्यूब।
टू आई विल शेयर माई लिंक टू यू, डोंट वरी। पहले अपना चैनल आईटी कोडिंग पार्क था, लेकिन वो चैनल पे मैं काम नहीं करूंगा अब ये इशू की वजह से, ठीक है। अभी अपना नया चैनल है आईट्रिक स्टडी पार्क, आईट्रिक स्टडी पार्क। ओके, एक वीडियो अपलोड है इस पे, ठीक है। अब इस पे ही काम करेंगे। ये जो लिंक है मैं पीपीटी में दे दूंगा, चलो मैं दे दूंगा हाँ, इस लिंक को, यहाँ पे ठीक है। ये है यहाँ पे आईट्रिक चैनल, आईट्रिक स्टडी पार्क पे आना, ठीक है। और फेसबुक पेज भी है, लेकिन आज मैं एक फेसबुक ग्रुप क्रिएट करूंगा, ठीक है, जहाँ से आप लोग वहाँ से आके सारा मटेरियल कलेक्ट कर सकते हैं। मैं वहीं पे शेयर करूंगा। और अपना टेलीग्राम चैनल भी है, उसको भी ज्वाइन करना, जो नई अपडेट्स होती हैं वहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।